तो अक्सर नगर के स्टेशन रोड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के निषेधात्मक आदेश के बावजूद उनके आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। मामले को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव का माहौल कायम हो गया है। घटना के संदर्भ में SDM से बात करने पर उन्होंने कठोर कार्रवाई की बात कही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पांडे पट्टी के रहने वाले सिरमन नारायण चौरसिया का अपने ही छोटे भाई विजय नारायण चौरसिया के साथ भूमि विवाद है। हिस्से के विवाद में उन्होंने एक ऐसी जमीन पर अपनी दावेदारी की है जिस पर विजय चौरसिया का पूर्व से कब्जा है। बाद में जब मामला अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह का कार्य नहीं करने की बात कही। बावजूद इसके एक भाई द्वारा SDM के आदेश की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में SDM से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह का कार्य अगर किया जा रहा है तो वह अनुचित है तथा ऐसा करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोनों भाइयों का विवाद चल रहा है छट्टू जी और सिरमन जी में, विजय चौरसिया और छट्टू चौरसिया के बीच में बंटवारा का, जिसपे हमने अनुमंडल अधिकारी के यहाँ 107 144 भी किया है। करने के बावजूद भी जबरदस्ती हमारे हिस्से पर भी वो काम लगाए हुए हैं। फिर हम थाने में प्रतिवेदन दिए, थाना में प्रतिवेदन देने के बाद 188 अनुमंडलाधिकारी के यहाँ से लगा, उसके बावजूद भी कल दिनांक 2/10 को फिर पुनः को ये काम लगा दिए हैं। 2 अक्टूबर को, हाँ 2 अक्टूबर से फिर पुनः को काम लगा दिए हैं और आज भी उनका काम चालू है। विजय चौरसिया आपके है कौन? हमारे सबसे छोटे भाई हैं। सबसे छोटे वाले भाई हैं जी। तो आपने अनुमंडल पदाधिकारी को यह सूचना दिया तो क्या हुआ? 144 हुआ, 188 हुआ, 107 हुआ। 188 कब हुआ? 144 107 के बाद 188, जब जबरदस्ती काम ये बंद नहीं कर रहे थे उस वक्त हमने 188 का प्रतिवेदन दिया और देने के बाद उसके बावजूद भी 1-1.5 माह काम केवल बंद हुआ और फिर पुनः को 2 अक्टूबर से काम अपना स्टार्ट किए हुए हैं। आपका परिचय? हम श्रीमान नारायण चौरसिया, पांडे पट्टी, बक्सर।